हेलो एस्पिरेंट्स, आइए देखिए आज के द हिंदू अखबार की मुख्य सुर्खियां। शुरू करते हैं फ्रंट पेज से। बोडो आउटफिट्स लीडर 14 अदर्स कन्विक्टेड इन असम ब्लास्ट केस। सोमवार को एक स्पेशल कोर्ट ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के प्रमुख रंजन दैमरी और 14 अन्य लोगों को 2008 के असम सीरियल बॉम्बिंग केस में अपराधी ठहराया है। एनडीएफबी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड द्वारा किया गया सीरियल ब्लास्ट जो कि 30 अक्टूबर 2008 में गुवाहाटी, कोकराझार, बोंगेगांव और बारपेटा में किया गया था, इसमें 88 लोग मारे गए और 500 लोग घायल हुए थे। आइए नजर डालते हैं इस हादसे की टाइमलाइन पे। 30 अक्टूबर 2008 में कुछ संदिग्ध एनडीएफबी के एक्सट्रीमिस्ट ने 9 जगहों पर साथ में बॉम्ब लगाया था, जिसकी वजह से 88 लोग मर गए और 540 लोग घायल हुए थे। फिर दिसंबर 2008 में ये केस असम गवर्नमेंट ने, असम सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया। फिर मई 26, 2009 में सीबीआई ने 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, जिसमें एनडीएफबी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के फाउंडर, उनके संस्थापक रंजन दैमरी भी शामिल थे। फिर दिसंबर 2009 में दैमरी को बांग्लादेश से अरेस्ट कर लिया गया। दिसंबर 20, 2010 में 3 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। फरवरी 28, 2011 में कामरूप जिला सेशन जज की कोर्ट में मुकदमा शुरू किया गया और फाइनली 28 जनवरी 2019 में 15 लोगों को स्पेशल कोर्ट ने अपराधी घोषित किया। अगली खबर है, राहुल प्रॉमिसेस इनकम गारंटी टू द पुअर। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह घोषणा की है कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीतती है तो उनकी सरकार देश के हर गरीब इंसान को मिनिमम इनकम गारंटी देना सुनिश्चित करेगी, यानी न्यूनतम आय की गारंटी। उन्होंने किसान आभार सम्मेलन में ये कहा कि देश के हर गरीब इंसान के पास एक न्यूनतम आय होगी। इसका मतलब भारत में अब कोई भूखा गरीब इंसान नहीं होगा। बढ़ते हैं पेज 5 की तरफ। आंध्र प्रदेश बुद्धिस्ट रिमेन्स डेट बैक टू सतावना पीरियड। कोंदाविडु फोर्ट में शिवालयम गर्भगृह के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम द्वारा कुछ बौद्ध अवशेष पाए गए हैं। यह अवशेष पहली और दूसरी सदी के सतावना काल के पुरातन जमाने के हैं। हाल ही में इस डिपार्टमेंट ने फोर्ट के 2 मंदिर, शिवालयम और लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को संरक्षण और बहाली के लिए लिया था। पुनर्निर्माण के लिए मंदिर के निराकरण की प्रक्रिया के दौरान डिपार्टमेंट को ये अवशेष मिले। इनमें से कुछ अवशेष इस प्रकार है, रेलिंग पीस पे पेटल डिजाइन, एक स्तूपा, पिल्लर और अन्य। पेज 7 की खबर पे आते हैं, इंडिया कांट हैंडल मोर बिग कैट्स। भारत में टाइगर काउंट यानी बाघ के गिनती बढ़ाने के लिए संरक्षण के प्रयासों पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि ग्लोबल एक्सपर्ट्स और सरकार के कुछ अधिकारियों ने यह सुझाव दिया है कि भारत को इसी के साथ एक नई चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो चुनौती है अपनी प्रबंधन क्षमता, अपनी मैनेजमेंट कैपेसिटी की लिमिट तक पहुंचने की। आधिकारिक तौर पर साल 2014 में भारत के पास 2226 बाघ थे। ये संख्या हाल में हो रही गणना के बाद अपडेट की जाएगी, लेकिन ग्लोबल टाइगर फोरम के प्रमुख राजेश गोपाल का ये कहना है कि भारत की अगर वर्तमान क्षमता को देखा जाए तो भारत 2500 से 3000 तक के बाघ की मेजबानी कर सकता है। वहीं एक दूसरे अधिकारी का यह भी कहना है कि 25 से 35% बाघ भारत के सुरक्षित रिजर्व्स, प्रोटेक्टेड रिजर्व्स के बाहर रह रहे हैं। भारत में जंगली बाघ की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और इन बाघों की
बढ़ती संख्या का प्रबंधन करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान की आवश्यकता है। भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा शासित किए जाते हैं, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के प्रशासन में आता है। दुनिया के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। 2006 में भारत में बाघ की संख्या थी 1411, जो बढ़ के 1706 हो गई थी 2011 में, और 2014 में ये संख्या थी 2226। 2016 में अगर विश्व स्तर पर यह आंकड़ा देखा जाए तो बाघों का यह आंकड़ा था 3893। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटीशन ऑन भोपाल गैस लीक पे आउट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई एक उपचारात्मक याचिका को जांच करने का निर्णय लिया है। इस याचिका में केंद्र सरकार ने भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड द्वारा दिया जा रहा 470 मिलियन डॉलर के मुआवजे के अलावा मुआवजा चाहा है। इस याचिका में, जो कि भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में एक बेंच के समक्ष पेश हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि ये मुआवजा 1989 में निर्धारित किया गया था, जो कि ऐसे सत्य की धारणाओं पर आधारित था जो वास्तविकताओं से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। अगली खबर है पेज 10 पे, प्ली चैलेंजेस हिंदू प्रेयर्स इन केवीज। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को एक याचिका उल्लेख के लिए दी है। इस याचिका में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 1125 केंद्र विद्यालय स्कूलों में पुनरीक्षित शिक्षा संहिता पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें छात्र और छात्राओं को विवशतापूर्ण संस्कृत और हिंदी के पद्य या छंद या कविताएं अपने जुड़े हुए हाथों से सुनानी होती है, और अगर सुबह की इस प्रेयर के दौरान हाथ जोड़कर आंखें बंद करके संस्कृत और हिंदी के इन छंदों को नहीं बोला जाता है तो ऐसे छात्र और छात्राओं को पूरी स्कूल के सामने सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ता है। जस्टिस रोहिंटन नरीमन के नेतृत्व में एक बेंच ने यह पाया है कि ये याचिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाती है, जहां एक धर्मनिरपेक्ष देश, एक सेक्युलर स्टेट, जहां पे कोई एक रिलीजन, एक धर्म नहीं माना जाता है, वहां ऐसे छात्रों को जो कि विविध आस्थाओं, विश्वासों या अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें विवश किया जा रहा है कि वो एक ऐसी प्रार्थना पढ़े, ऐसी प्रार्थना सुनाए जो कि हिंदू धर्म पे आधारित है, और ये सब उनसे करवाया जाता है उनके ऊपर सजा के खतरे की तलवार लटका के। हमारी अगली खबर है पेज 11 पे, जॉब ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स नॉट अ राइट, से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये दोहराया है कि लोक सेवा में अनुकंपा नियुक्ति की नीति, पॉलिसी ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सर्विस, ये एक अधिकार नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक लाभ है जो कि सरकार द्वारा उस कर्मचारी के परिवार को दी जाती है जो कि दोहन में मर गया हो, ताकि उसके परिवार को दरिद्रता से बचाया जा सके। बढ़ते हैं आखिरी पेज की तरफ, जीएम चिकन्स मे ले चीपर मेडिसिन्स। एक अध्ययन के मुताबिक जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकन्स, अनुवांशिक रूप से संशोधित चिकन जो कि अपने अंडों में मानव प्रोटीन का उत्पादन करती है, उससे लागत प्रभावी दवाओं का निर्माण किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स, जो कि कैंसर और दूसरे रोगों का इलाज करने में इस्तेमाल होते हैं। हमारी अगली और आज की आखिरी खबर है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज टॉप किलर, सेज WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 8.5 मिलियन जाने हर साल सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से जाती है, यानी गैर संचारी रोग जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हृदय रोग, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस यानी पुरानी सांस की बीमारियां, डायबिटीज और कैंसर।
डायबिटीज, कैंसर और हृदय रोग से ही तकरीबन 70% मौतें होती है। इसी के साथ हमारे आज का मुख्य सुर्खियों का विश्लेषण यही समाप्त होता है।